आज मैं एक बहुत ही सिंपल रेमेडी को लेकर आई हूँ, जिसके कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा गोरी और चमकदार हो जाएगी, आपकी स्किन से दाग धब्बे रिमूव हो जाएंगे, आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो जाएगी, आपके चेहरे पे जो छोटे छोटे दाग धब्बे हो जाते हैं उसको भी रिमूव करेगा और आपके स्किन को एकदम फेयर और ब्राइट बनाएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए हम सबसे पहले शहद यानी हनी का यूज करेंगे। तो दोस्तों, इसमें हमें एक चम्मच हनी को ले लेना है। अब हमें इसमें दूसरी चीज नारियल तेल को ऐड करना है, तो हम यहाँ आधी छोटी चम्मच नारियल तेल को ऐड कर लेते हैं। हम इसमें लास्ट में 4 से 5 बूंद नींबू का रस को ऐड कर लेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी अच्छी तरह से मिक्स होकर एक सीरम की तरह बन गया है। आप चाहें तो इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसे हमें लगाना किस तरीके से है। आप इस रेमेडी को नहाने के 1 घंटे पहले अपने चेहरे पर अच्छी तरह से लगाइए। दोस्तों, हनी में ढेर सारे गुण होते हैं जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। हनी एंटी एजिंग होता है, ये हमारे स्किन से रिंकल को रिमूव करता है, हमारे स्किन को मॉइस्चराइज रखता है और साथ ही हमारे स्किन में नमी को बनाए रखता है। नारियल तेल हमारे स्किन से दाग धब्बों को कम करता है, हमारे स्किन को सनबर्न से बचाता है और साथ ही हमारे स्किन को चमकदार बनाता है। दोस्तों, नींबू भी हमारे स्किन से डेड सेल को रिमूव करता है, हमारे स्किन को ब्राइट बनाता है और साथ ही स्किन के कालेपन को दूर करता है। जब ये पूरी अच्छी तरह से लग जाए तो आप 5 मिनट तक इस तरह से मसाज कीजिए। दोस्तों, इस तरह से मसाज करने से हमारे स्किन के डेड सेल रिमूव होते हैं, हमारे स्किन में कसाव आता है और साथ ही हमारी स्किन ग्लोइंग और ब्राइट दिखती है। इस तरह से मसाज करने के बाद आप इसे 20 से 25 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ दीजिए और जब ये अच्छी तरह से सूख जाए तो आप अपने चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लीजिए। आप डिफरेंसेस देख सकते हैं दोस्तों, एक बार में ही स्किन कितना क्लीन और ब्राइट दिख रहा है। दोस्तों, आप इस रेमेडी को रेगुलर इस्तेमाल करें। ये रेमेडी बहुत ही अच्छी और 100% नेचुरल रेमेडी है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी केमिकल नहीं है। आप इसका इस्तेमाल करें और मेरे साथ इसका फीडबैक जरूर शेयर करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल रेडियंट रुचिका को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के वीडियो में इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।